हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कस्टमर्स के, सिटोन भाग तो नहीं जाएगी, सिटोन के पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सर्विस रिलेटेड बहुत इशू हैं, सर्विस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, और हाँ सर्विस सेंटर हर जगह नहीं है तो हमें सर्विस कैसे मिलेगी। और कस्टमर का सबसे पहले ये कहना होता कि भाई साहब आपकी मार्केट में गाड़ियां नहीं दिखती हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो एक बायर के मन में होते हैं, और मैं भी कोई गाड़ी खरीदूंगा तो मैं भी सारी चीजें देखूंगा, मैं भी देखूंगा कि भाई साहब ये कंपनी कैसी है, रिलायबल है नहीं है, सेफ्टी है या नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नेगेटिव भी पॉइंट देती हैं, कुछ पॉजिटिव भी देते हैं आपको। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहता हूं आज बहुत शॉर्ट में और सिंपल तरीके से। तो जो भी है, मैंने भी गूगल से और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिटोन में, करीब मैं सिटोन में 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें हैं वो आपको आसानी से मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले रही बात कंपनी को भाग जाने की, तो देखिए कोई भी भाई साहब अगर यहाँ आप देखेंगे तो जो लोगों ने $2 बिलियन सबसे पहले खर्च किए हैं और अभी 2000 करोड़ 2024-25 तक और इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लोग, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई कंपनी भाग नहीं जाएगी। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि जो कंपनी ने 2019 में अपनी पहली गाड़ी C5 Aircross लॉन्च की थी, उसके बाद लॉकडाउन लगे, आपको भी पता है 2-3 साल कुछ काम नहीं चला, उसके बाद छोटी गाड़ी C3 लेके आए। अब C3 जैसे ही आई थी उसने धीरे धीरे मार्केट को पकड़ा, पहले गाड़ियां ऑनलाइन बिकती थी, इसके कोई शोरूम नहीं थे, फिर धीरे धीरे शोरूम डेवलप हुए। अभी आप मान के चलिए, जब मैंने रिसेंटली जब हम सिटोन से जुड़े थे तो हम 2022 दिसंबर में जुड़े थे, तो MP में एक भी शोरूम नहीं था, हम ही लोग थे, भोपाल का शोरूम अकेला था। अब देखिए आपका जबलपुर में भी शोरूम है, ग्वालियर में शोरूम है, आपका इंदौर में शोरूम है, भोपाल में है, 3-4 शोरूम और खुलने वाले हैं जिनका काम चल रहा है खतरा में, तो ये चीज है। और दूसरी चीज की कंपनी इसलिए नहीं भाग सकती है क्योंकि आप देखेंगे हर 6 महीने में इनकी नई गाड़ी आती है, पहले C3 आई, फिर C3 जो EC3 है इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट वो आया, Aircross आया, Aircross आने के अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में आने के बाद अभी अब प्रेजेंट कंडीशन जनवरी चल रहा है, जनवरी में इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आ गया और बस 10 और 15 दिन लगेंगे आपको जो EC3 है उसका साइन वेरिएंट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये चीज है। और आज हम सबसे पहले हमारा जो मोटिव था इस वीडियो को बताने का कि जो प्राइस है इसका जो आया है प्राइस, तो अगर हम बात करें जो हमारा Citroen C3 का जो ऑटोमेटिक Aircross का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, वो प्लस वाला जो वेरिएंट है सेकंड टॉप, वो 12,84,800 रुपए से स्टार्ट है और इसका जो टॉप 7 सीटर में जाता है वो 13,84,000 रुपए का है। तो इसमें आपको सिर्फ RTO और इंश्योरेंस देना है, मैंने आपको एक शोरूम कीमत बताई हुई है, तो आपको 5 सीटर का अलग प्राइस मिल जाएगा और 7 सीटर का अलग प्राइस मिल जाएगा, ये चीज आप देख सकते हैं। और मैं आपको हाँ एक चीज और बताना चाह रहा था कि लोग बोले पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो पार्ट्स की मैं आपको बता दूं, तो कोई भी कंपनी हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले भाई साहब पार्ट्स ही बनते हैं, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं वो, क्योंकि कस्टमर का ये कहना है कि आज गाड़ी मार्केट में उतरी है, चलेगी, एक्सीडेंट होंगे, तो पार्ट की नीड हर जगह होती है और वो आपको सिर्फ ऑथराइज सर्विस सेंटर पर मिलेंगे। आप चाहो कि मार्केट में वही मिल जाए, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसके कस्टमर जो चीज वो जेन्युइन जिस गुणवत्ता के जिस क्वालिटी के हिसाब से वो पार्ट्स बनाते हैं वो उससे कम गुणवत्ता वाले, बिल्कुल कम 50% की गुणवत्ता नहीं है, वैसे पार्ट्स आपको आसानी से सेम सिट्रोइन का लोगो लगा हुआ या किसी ब्रांड का लोगो लगा हुआ आपको वही पार्ट्स मिल जाए जो आपका ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 महीने की हो, ऐसे पार्ट्स कंपनी क्यों अलाउ करेगी। वो ऐसे पार्ट्स देगी ना जिससे उनके कस्टमर कभी भी परेशान ना हो, जेन्युइन रहे, उनको ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिले, उनको वारंटी मिले, ये चीज रहेगी। और रही बात सर्विस सेंटर की, तो सर्विस सेंटर आपको हर जगह तो नहीं है इस समय, मैं भी एग्री करता हूँ, पर अब एक चीज मानिएगा कि इसके जो सर्विस सेंटर की जगह उन्होंने SOW बैन दी है, यहाँ पे कस्टमर लिमिटेड हैं, आप एक इंपॉर्टेंट कस्टमर होंगे, आप इंपॉर्टेंट कस्टमर इसलिए होंगे क्योंकि हर जगह की तरह हर जगह हर वर्कशॉप में आपको 50 से 100 कस्टमर पर डे मिल जाएंगे, बट यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ 10 कस्टमर मिलेंगे और 10 आप प्रीमियम रहेंगे पर डे, ये चीज है। और रही SOW की बात, तो SOW आपको 500 किलोमीटर तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आपके घर पे जाएगी गाड़ी, सर्विस करेगी, आप सर्विस असिस्टेंट के लिए रिक्वेस्ट मेल पे कर सकते हैं, कॉल करके आप बता सकते हैं, तो आपको सर्विस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और रही बात आप इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, तो आइए मैं आपको कंपनी ने जो ओरिजिन स्क्रीन दी हुई है उसमें कंपनी बताती है कि उनके क्या प्रोडक्ट थे पुराने, तो हरी सर आइए अपन दिखाते हैं। तो
कंपनी ने अपने शोरूम में ये ओरिजिन स्क्रीन लगा के रखी हुई है। अगर इसको आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो उनका प्रोडक्ट है जो ये सबसे शुरू में है, ये आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीन पर दिखा पाए तो 1919 रनिंग में है, जो टाइप ए कार थी वो है। और अगर मैं उसके बहुत सारे प्रोडक्ट की बात करूं तो मान के चलिए इन लोगों ने चॉपर भी बनाया हुआ है। ये चॉपर बनाया हुआ 1975 में उन्होंने चॉपर बनाया था। ये अपना फायर फाइटर रहा, जो लोगों ने फायर फाइटर बनाया था। कुछ कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं। अगर इनकी हम सुपर कार की बने तो ये GT भी इनकी सुपर कार आती है। अभी आप एक चीज और नोटिस करिए कि जब आप सिट्रोन C3 एयरक्रॉस या C3 चलाएंगे तो उसमें जो इंजन की नॉइस है वो एक सुपर कार की तरह आती है। आप जैसे ही एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो एक हाई साउंड प्रोड्यूस होता है, वो सुपर कार की तरह होता है। और मान के चला अभी आप देख सकते हैं ये इनकी एयरक्रॉस है, जो अपने पास अभी C3 एयरक्रॉस और C5 एयरक्रॉस के रूप में आती है। और हम बात करें MPV व्हीकल भी है उनके पास, जो MPV व्हीकल रहते हैं, थर्ड जनरेशन का है ये। और इसके बाद हमने करें कॉन्सेप्ट कार, एक इलेक्ट्रिक कार वेसल मोड ड्राइव जो अभी आई नहीं है, 2019 में इन लोगों ने बनाई थी, कॉन्सेप्ट कार है। तो ये अब आने वाली है, अब अपने यहाँ इंडिया में पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट इंडोनेशिया में बहुत जल्दी जल्दी वो लोग मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ भी गाड़ियाँ अपडेट कर रहे हैं। वहाँ 4-5 महीने पहले जो गाड़ी अपडेट कर रहे थे उसके बाद अपने पास आती है। लेकिन सबसे अच्छी एक चीज़ है, इसके जो 3 प्लांट हैं वो अपने यहाँ इंडिया में हैं, और सबसे ही गाड़ी बनती है वहाँ ब्राज़ील और ये इंडोनेशिया में, अपने यहाँ गाड़ी आती है, एशियन कंट्रीज में उनमें गाड़ी हम सप्लाई करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे इंडिया में गाड़ी बन रही है। तो ये सब जानकारी पाके आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि आने वाले जो वीडियो हैं उनमें आपको और बहुत सारी जो आपके सवाल रहेंगे प्लीज़ कमेंट में करिएगा। हम अगली बार कमेंट में आपको जो सवाल हैं वो बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। और इसका हाँ एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसका एक EC3 करके जो साइन वेरियंट है वो आने वाला है, वो भी काफ़ी शानदार है और फीचर्स के साथ आ रहा है, तो उसको भी दिखाऊँगा मैं। और हाँ, बहुत सारे कस्टमर के कमेंट आते भाई 6 एयरबैग नहीं दिए हैं। अगर 6 एयरबैग नहीं दिए हैं तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको जो लो कॉस्ट में है वो है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताऊँ मैं, सेफ्टी की कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है, क्योंकि 6 एयरबैग के साथ साथ इसमें आपको टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम और जो ट्रक्शन कंट्रोल है, ABS प्लस EBD है, और ESP प्रोग्राम है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, उसको भी आपको दिया गया है। तो सेफ्टी के मामले में कोई भी कमी नहीं रही है। बाकी इसमें 2 एयरबैग अभी कंपनी ने ऑफर करे हैं, 4 एयरबैग आने वाले समय में आ जाएंगे। और जो हाँ EC3 की जो मैं बात कर रहा था साइन वेरिएंट की, उसके बारे में आपको बता दूं कि जो साइन वेरिएंट है वो भी आने वाला है, जो उसका अभी तक सिर्फ 2 ही वेरिएंट आते थे, लेव और फील, काफ़ी प्यार मिला वो गाड़ी, 0 कंप्लेंट है। उसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी यूज होती है, और आप भी जानते हैं आने वाले समय है जो सिर्फ EV का है, और EV वाले समय में ही आप क्या है, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो गया है और सब लोग अभी EV पर जा रहे हैं, तो हर जगह आपको फास्ट चार्जर मिल जाएंगे, जो कहीं कहीं तो अभी फास्ट चार्जर थोड़े कम मिलते हैं। बट ये है कि आपको, आप कहीं भी एक डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो उसमें आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि हमें जहां जाके जा रहे हैं वहां कितने फास्ट चार्जर आपको एक्टिवेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये आपको ऐप मिलता है प्ले स्टोर पर, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें आपको जाके आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऐप्स मिलते हैं। तो ये सब जानकारी रही हो तो आप ऐसा डाउट में मत रहिएगा कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक बार आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि गाड़ी कैसी है, क्या है और क्या करती है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहें बहुत सारी वीडियो के लिए हमारे साथ।